फ्रेंड्स, डेटसन क्रॉस एसयूवी कार एक ऐसी कार है जो कि नॉर्मल और एवरेज क्लास फैमिली के लिए काफी अच्छी कार हो सकती है, क्योंकि इस कार की जो प्राइस है उसे अगर दूसरी एसयूवी बेस्ड कार से कंपेयर करें तो काफी कम है, और इस कार में जो फीचर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, और ये कार जो है वो आने वाले कुछ ही महीनों में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस कार की पूरी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, इसके इंटरनल एक्सटर्नल डिजाइन के बारे में बात करेंगे, वहीं इस कार के इंजन की डिटेल भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस कार में किन किन टाइप के सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है, और एट द एंड हम इस कार के टॉप स्पीड, लॉन्चिंग डेट और प्राइस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूरन आजाद और टेक्नोलॉजी माफिया में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं डेटसन की इस एसयूवी कार के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो डेटसन क्रॉस एसयूवी कार है, इसे डेटसन कंपनी इंडिया में लॉन्च करने जा रही है, और ये जो डेटसन कंपनी है वो निसान कंपनी की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ लो बजट कार बनाती है। इस कार को ऑलरेडी इंडोनेशिया में 2018 में लॉन्च कर दिया गया है, तो वहाँ जो इस कार का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम बात करें इस कार के बारे में, तो ये एसयूवी बेस्ड कार है। अब ये एसयूवी बेस्ड कार किस कार को कहते हैं, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे चल के बात करने वाले हैं। यहाँ अगर हम बात करें इस कार के एक्सटर्नल डिज़ाइन के बारे में, तो इस कार का जो एक्सटर्नल डिज़ाइन है वो एकदम ऑसम तो नहीं, मगर आप अच्छा ज़रूर कह सकते हैं। इस कार के फ्रंट में आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प मिल जाएगा, और उससे ही लगा हुआ आपको डीआर लाइट भी मिल जाएगा, और प्रोजेक्टेड हेडलैम्प के आप बिल्कुल सही नीचे देखें तो आपको फॉगलाइट भी देखने मिल जाएगा, वहीं उसके बैक साइड में देखें तो आपको टिल लाइट भी देखने मिल जाएगा। इस कार में 15 इंच की अलॉय व्हील लगाई गई है, तो उम्मीद है कि ये अलॉय व्हील स्टाइलिश होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होगा। इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है। अब अगर हम बात करें इस कार के लेंथ के बारे में, तो इस कार का लेंथ 3.995 मीटर है, वहीं इसका विड्थ 1.56 मीटर और हाइट 1.67 मीटर है। अगर हम इस कार के इंटरनल डिज़ाइन को देखें, तो इसका जो इंटरनल डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। फ्रंट में आपको एक 6.75 इंच का टच डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसपे आप रेडियो कनेक्ट कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहे तो वेदर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इस टच डिस्प्ले के नीचे आपको मैनुअल एसी कंट्रोल मिल जाएगा, वहीं अगर आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर देखें तो आपको एनालॉग टेक्नोमीटर भी देखने मिल जाएगा। ये जो डेटसन क्रॉस कार है, ये 7 सीटर कार है, और इसमें जो पीछे की लास्ट वाली रो है वो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। साथ ही इस कार में बूट स्पेस भी अवेलेबल है, तो आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो जो लास्ट वाली रो है जो बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई है, उसे आप फोल्ड करके उसके ऊपर भी सामान रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस कार के इंजन के बारे में। तो इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो कि 67 या फिर 77 bhp का पावर जनरेट करेगा, और इसका टॉर्क 104 न्यूटन पर आवर होगा। अगर हम देखें कि इस कार में किन किन टाइप के सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है, तो इस कार में एक डुअल एयरबैग लगाया गया है, दूसरा इसमें ABS दैट मीन्स एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है। तो इससे होगा ये कि अगर आपकी कार कभी हाईवे पे फुल स्पीड में है और आपने डायरेक्टली ब्रेक लगाया, तो ये जो ABS का सिस्टम है या फिर सेंसर कह ले, वो उसे पहले ऑब्जर्व करेगा और रुक रुक के ब्रेक लगाएगा। दैट मीन्स ब्रेक लगाएगा, फिर पॉज करेगा, फिर ब्रेक लगाएगा, फिर पॉज करेगा। उससे होगा ये कि आपकी कार स्किड नहीं होगी, और स्किड नहीं होगी तो आपके कार का एक्सीडेंट होने का भी कम से कम चांसेस होगा। साथ ही इस कार में एक और फीचर EDB दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज़ किया गया है। उससे होगा ये कि जब कभी आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपने डायरेक्टली ब्रेक लगाया, तो ये जो सेंसर है उसे पहले ऑब्जर्व करेगा, और कार की जिस पहिए पे जितना लोड या फिर वेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग उस कार पे ब्रेक लगाएगा। अब लास्ट में अगर हम इस कार के लॉन्चिंग डेट, इसके टॉप स्पीड और इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो इस कार का जो लॉन्चिंग डेट है वो अक्टूबर 2019 था, मगर अब ये डिले हो गई है। तो कंपनी का कहना है कि हम अब इस कार को दिसंबर 2019 या फिर जैन 2020 में लॉन्च कर देंगे। इस कार का जो टॉप स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर हम इस कार के प्राइस के बारे में बात करें, तो कंपनी का कहना है कि इस कार की प्राइस जो है वो 4 से 7 लाख के बीच में हो सकती है। तो अगर इस कार की प्राइस 5 लाख या उससे थोड़ा आगे पीछे भी रही, तो ये कार एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये एसयूवी बेस्ड कार है। अब एसयूवी बेस्ड कार में क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि एसयूवी कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा होता है, और इसका जो इंजन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कार।
एसयूवी बेस्ड कार में एक और फीचर फोर ड्राइव का होता है। अब फोर ड्राइव के फीचर में होता क्या है, जैसे आप अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और आपकी कार से जो एनर्जी जनरेट होती है वो आपके कार के चारों पहियों पे सेम टाइम में सेम जैसी जाती है, जिससे होता यह है कि आपकी कार जो है वो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती है। इसी तरह जब कभी आप ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक है वो चारों पहियों पे सेम टाइम में लगती है, जिससे आपकी कार जो है वो जल्दी से रुक भी जाती है। दूसरी जो एसयूवी बेस्ड कार होती है, इसे आप गांव की कच्ची पक्की सड़कों भी चला सकते हैं और हाईवे पे तो खैर चला ही सकते हैं, तो ये कार जो है वो सिटी प्लस गांव के लोगों के लिए भी अच्छी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये कार अच्छी लगी और जब ये कार लॉन्च होगी तो मुझे लगता है चलेगी भी। वैसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन तो प्रेस कीजिएगा ही, और अगर अभी तक आपने टेक्नोलॉजी माफिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं मोबाइल, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी और कार रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहता हूँ। साथ ही लगा हुआ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, उससे होगा ये कि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।